केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने और दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन एवं संसद सत्र स्थगित करने से नाराज आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर जताया विरोध। जहां प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लालकुआ विधानसभा अध्यक्ष कमल दानू के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार रोड बिंदुकता स्थित शहीद स्मारक पर मशाल जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 3 किसान विरोधी कानून लाकर केंद्र सरकार ने किसानों की आजीविका पर क्रूर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इन 3 कानूनों से किसान को नहीं पूंजीपतियों को लाभ होगा। यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में पूरे विधानसभा वाइज पूरे ब्लॉक वाइज जिस प्रकार से किसानों के साथ जो काला कानून देश की सरकार ला रही है उसको लेकर आज पूरे मशाल जुलूस का पूरे देश में एक यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस का रैली निकाली गई है और किसानों से हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के साथ तानाशाही रवैया जो अपना रही है हम इस मशाल जुलूस के माध्यम से कहना चाहते हैं, किसानों की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं और पूरे देश के जितने पूरा देश किसानों के साथ है। जिस प्रकार से सरकार आज किसानों का गला घोटने का काम कर रही है मशाल जुलूस के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरा देश पूरी यूथ कांग्रेस पूरी कांग्रेस किसानों के साथ है और आगे भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी।